आज जो टॉपिक है वो है अपना मिट्टी वे मरुस्थलीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये टॉपिक स्पेशल भी लग जाता है। गर्मी बहुत है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, राबड़ी पानी टाइम टू टाइम पीते रहें। मिट्टियों का अलग से अध्ययन किया जाता है जिसे कहा जाता है पेडोलॉजी। साइकोलॉजी भी आई, पेडोलॉजी स्पेलिंग हो उसके गलत भी हो उसके, पीई डी ओ एल ओ जी वाई, पेडो एल ओ जी वाई, पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान। विश्व मृदा दिवस जो बच्चों आता है वो आता है 5 दिसंबर को। नॉर्मल चीजें सबको आती है। हमें पढ़नी है राजस्थान की मिट्टी। एक ऐसा टॉपिक है अगर इसको आपने थोड़ा सा ढंग से समझा ना तो मुझे लगता है मिट्टी का टॉपिक आप कंप्लीट कर दोगे। कुछ इंग्लिश नाम है वो हम कल देखेंगे, इस टॉपिक को 2 दिनों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान की मिट्टी लगभग 8 प्रकार की है। चलो इसको क्यों मैं इधर ले लेता हूं। एक चीज तो आप फिक्स सीधी बना ही लो जिसे कुछ करना ही नहीं है, ये लो ये अरावली, ये तो सीधी बना ही ली अरावली, बहुत इजी है। मतलब मैं आप सिर्फ देखो और देख के आपको लगेगा कि वाह सर क्या करवाया है आपने। सिर्फ देखो, हो सकता है मिट्टी आपके समझ में आ जाए, क्योंकि इन टॉपिक को पहले मैं समझ लेता हूं ना फिर मैं उसको बहुत इजी कर देता हूं, और जिन टॉपिक को मेरे खुद के समझ में नहीं आते वो आपके भी नहीं आएंगे। यही तो नियम है कि पहले आपको आना चाहिए इसके बाद आप इजी कर देते हो उस टॉपिक को। तो पहले एनएच वगैरह के मेरे सारे ट्रिक बनाए हुए थे क्योंकि मेरे पहले याद थे, अब नए वाले मेरे याद नहीं। अब जब पढ़ूंगा तो पता नहीं कौन सी ट्रिक बनेगी क्या बनेगी। देखो ये पूरा का पूरा मरुस्थल है। मैं एक बात देखो, ये मिट्टी है, ये अरावली है। अरावली क्या है? पर्वत है। एक मिट्टी का प्रकार तो कंप्लीट कि पर्वतीय मिट्टी अरावली की जड़ों के अंदर नीचे पाई जाती है, वो पर्वतीय मिट्टी है। विशेष इससे संबंधित कोई क्वेश्चन वैसे नहीं बनता है पर्वतीय मिट्टी से। अरावली की उपत्यका के अंदर है। जिले देखें तो जो अरावली के जिले वो ये सिरोही है, उदयपुर है, पाली है, खेरथल, तिजारा आदि जिले। कोई अलग से क्वेश्चन इसका नहीं बनता है। मिट्टी के 8 प्रकारों में आपका एक प्रकार तो हो गया अरावली, अरावली पर्वत। अब आओ इधर, किधर? मरुस्थल के अंदर। देखो समझता जाइए टापरो, उसका मैं टाइम लगाऊं तो यहां ना समझिए बोर कर रहे अपन। टाइम लगाना जरूरी है कि मिट्टी टॉपिक है ही। पर्वतीय तो हो गई, हाँ सर हो गई। अब इधर वाली साइड में, इस साइड में की है रेत ही रेत है। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा? आई एक लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पे लिखोगे मिटेगा नहीं। वाह क्या बात है। रेती रेत है यानी मरुस्थल है, तो मैं इन मरुस्थली मिट्टी कह सकूंगे? हाँ सर कह क्यों कौन सको, मरुस्थली मिट्टी कह सको, रेतीली मिट्टी कह सको, क्योंकि रेत ही रेत है। इसका मतलब सब जगह भाई मरुस्थल सब जगह। ओयो के टावरो, आज की रेत ही नहीं, आज थोड़ी सी होगी बूरी, थोड़ी सिंचाई सिंचुई हुई, जब आपको कलर बदल लिया, आपका नखरा बदल लिया, जी आई थोड़ी सिंचाई मिली, बूरी होगी। बूरी के नाम का आगे पाछो रेतीलो लगाओ, इनको मतलब बूरी मिट्टी भी इन साइड में ही है। देखो रेत रेत तो है ही, तो रेतीली मिट्टी सी दोगे, रेत आपको कलर चेंज करके बूरी होगी, बूरी होगी बिन दूसर कह दियो, बूरी कह दियो, सिरोजम मिट्टी कह दियो, लेकिन बूरी का आगे शब्द रेतीली देख लियो, इनको मतलब इस साइड में बा, और सीधा आपसे पूछ सकता है वो भूरी मिट्टी, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तब आंसर बदल जाएगा दूसरा। बूरी का आगे रेतीली लाग रही है मतलब रेत में जियो, रेत में गठे मरुस्थल में, और सीधो बूरी है तो उत्तर बदल जाएगा। एक बार हम सीधे बूरी को छोड़ दे, दोनों कंफ्यूज दूर करने के लिए। अब टावरो अटकर खारे पानी की झीला है। खाले पानी की झीला क्यों है? खारे पानी झीला ई खातर है कि बठे नमक है, नमक को मतलब बठे की मिट्टी की है लवणीय, आ लियो जी लवणीय मिट्टी, यानी एक प्रकार दो प्रकार तीन प्रकार, एक बता दी चौथी पर्वतीय, 4 प्रकार, एक नाम ले लियो बुरी, यानी थन मिट्टिया का नाम नाम तो सीख ही गया जिथे और की नहीं भी सीखा हो तो। अब आओ भूरी मिट्टी, सॉरी पहली कौन सी बताई थी, सॉरी रेतीली मिट्टी, ये ना सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यही है पूरे पश्चिम मरुस्थल में। आराम से आप डिटेल कर दोगे पश्चिम मरुस्थल में सर्वाधिक भूभाग पे। इमकण किए हुए मोटा वे थोड़ा, इन खातर बारिश आवे नहीं, पानी नीचे चले जाए, नमी बिचारी रोक नहीं पाती है, यानी नाइट्रोजन और कार्बन तत्वों की थोड़ी सी कमी हुए, कैल्शियम फॉस्फोरस की थोड़ी अधिकता है। जिला सगड़ा लिख दो,
लिख दो, थारे के राग है लिख दो, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, फलोदी है, जोधपुर ग्रामीण है, बीकानेर है, नागौर है, डीडवाना कुचामन है, झुंझुनू है, सीकर है, अनूपगढ़ है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, लिख दे बेटी का बाप। सर एक मिट्टी तैयार हो गई हमारी। अब रेत बनी बूरी, ध्यान रहे बूरी के आगे रेतीली शब्द देख लेना वरना सीधा बूरी पीसते उत्तर दूसरा हो जाएगा। इस मिट्टी के कई नाम है, ग्रे पेटेंट, भूरो कलर, धूसर, इसे आप कह सकते हो धूसर मिट्टी भी कह सकते हो, सिरोजम कह सकते हो, रेत का छोटा टिल्ला जका है नहीं बठया, थोड़ी सी भूरी कलर में हो जाए, रंगे को भूरो हो जाए। अब जिले भी यहां देखे तो अंग बीच बीच में, जब पूरे जोधपुर ग्रामीण में रेतीली नहीं कहीं कहीं भूरी हो गई तो बैगा बै जिला है पाछा, यानी अरावली के पश्चिम में बाड़मेर है, बालोतरा है, जालोर है, सांचोर है, जोधपुर ग्रामीण है, पाली है, डीडवाना, सिरोही, सीकर, झुंझुनू, बै, यानी आ मिट्टी जी की ये थोड़ी अच्छी है, ये तो इतनी अच्छी नहीं फसल के लिए, इनमें नाइट्रोजन तत्व होंगे अधिकता के कारण उर्वरकता बढ़ जाएगी, और के वैगो इल्ली साइड में के वे ज्वार बाजरो मूंग मोट बात खत्म। अब बात आई बूरी भाई जी, बहुत इंपॉर्टेंट, बारिश को पानी ज्यादा आनो व मिट्टी भुरभुरी हो जाए, अगर नहीं याद रहे तो बैसे भूरी बैसे बनास, बनास बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये एग्जाम में प्रश्न आया था, आपका गलत नहीं होना चाहिए, किसी का होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। अरावली के पूर्वी भाग में जहां बनास नदी बहती है उस क्षेत्र में भूरी मिट्टी है, और भूरी का अगर रेतीली शब्द ला जाए मरुस्थलमा जी, रेतमा जी, रेतमा बैगा बैची लाज का रहते, भीलवाड़ा, शाहपुरा, गंगापुर सिटी है, केकड़ी है, टोंक है, स्वाई माधोपुर है, अजमेर है, जहां से बनास नदी है वो हो गया याद सर, क्या नहीं याद, चार मिट्टियां होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने बताई पर्वतीय, बात खत्म, सिरोही के पर्वतीय ढाल वाले ढलान वाले उत्ते का, फिर बताई रेतीली पूरे मरुस्थल में, रेत होगी भूरी पूरे मरुस्थल में, फिर होगी लवणीय जहां झीले वगैरह है खारे पानी की, वहां लवणीय मिट्टी बीच बीच में अनूपगढ़ में भी है, हनुमानगढ़ में भी है, नागौर में भी है, जहां वो थे आप आराम करते हो, जब नमक है बटकर लवणीय मिट्टी अपने मरुस्थल के अंदर ही है। फिर आई भूरी मिट्टी, नहीं याद रहे ओनली भूरी मिट्टी, भूरी बै बनास बै भूरी, बात खत्म। अब आओगी मेन चीज, अट्ठे कंफ्यूज हो जाए, एक चीज और रहेगी, इस साइड में टापरू नदियां है, बताओ है कौन, हाँ सर नदियां ही साइड में, और नदी जट हुए बठे चुकी मिट्टी, वे क्यों नदी में जल हुए बठे चुकी मिट्टी, वे बावे जलोढ़ मिट्टी, या फिर कछारी भी कह इसका, दोमट भी कह इसका, जहां नदियां है वहां जल होगा, जल होगा तो वहां जलोढ़ मिट्टी होगी, तो सीधा सीधा नदियां सबसे ज्यादा कौन से मैदान में थी, कल ही बताया था पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान नदियां नदियां ही, पूर्वी मैदान बाणगंगा बेसिन हुए, माई बेसिन हुए, अरे चंबल बेसिन गए, अरे बनास बेसिन गए, यानी जलोढ़ मिट्टी, कितनी मिट्टियों के प्रकार हो गए, एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, ये हो गए छठा, पूरी मैदान में इंगमा नाइट्रोजन की अधिकता है, और इंगमा कौन सा, जयपुर ग्रामीण है, अबे अबे जिला थे देख लियो, पूरी मैदान में खेर तलती जा रहा, कोटपुतले, भैरवपुर, दौसा है, टोंक है, स्वाई माधोपुर है, गंगापुर सिटी है, करौली है, ऐ जिला अटला। अब आएंगे यहां बड़ा कंफ्यूज रहता है, देखो दोबारा भाई जी, पहाड़ दूर लाल लाल तप्पा, यानी लाल 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 और कालो बड़ो कंफ्यूज करे, एक लाल एक काले, लाल काली, लाल काली, लेकिन लाल सिर्फ लाल लाल को नहीं है, लाल जो है वो रीस मांगे पीड़ो भी हो जाए, ये खातर एक मिट्टी है लाल पीड़ी मिट्टी को नाम है, लाल थोड़ी सी लोमी भी हो जाए, ये खातर एक मिट्टी है लाल लोमी, काली काली होगी, यानी अब जो की मिट्टियां प्रकार है वे लाल संबंधित है, एक तो लाल लोमी मिट्टी है, एक लाल पीली मिट्टी है, और एक काली मिट्टी, बस तीन होते ही अपनी कहानी पूरी, काली मध्यम काली भी बोल सका, रेगुर मिट्टी भी बोल सका, फिर होगी लाल लोमी और फिर होगी लाल पीली, समझो
नहीं याद रहे तो कंफ्यूज दूर करूंगा। ये अरावली होगी। कैसे काली, कैसे कोटा, कैसे कपास, काली मिट्टी कोटा में पाई जाती है, कपास के लिए उपयोगी है, काली मिट्टी है इसलिए काले बनेंगे बर्तन, काला होता है ब्लेक, ब्लेक होता है पोटरी, हो गया याद। यानी यहां पर जो मिट्टी है वो काली है, के यानी पूरे कोटा का मतलब पूरे हाड़ौती क्षेत्र। सर क्यों है? क्योंकि पोटास कैल्शियम अधिकता है, मालवा का पठार को बाग है, कैसे काली कैसे कपास। अब मिट्टी के बारिश हुई, बारिश होता है मिट्टी हो जाएगी गिल्ली, फिर जी सूखेगी, सूखता ही दरार पड़ जाएगी, यहां लागे जाने हड़ बोल है, इसलिए सौतः ही जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। ये ज्वालामुखी से निर्मित होती है, बेसाल्ट चट्टानों से बनी जो हाड़ौती में। काली याद होगी नहीं, काली या रेगूर या मध्यम काली एक ही नाम है। काली कैसे कोटा कहानी खत्म, यार क्या नहीं याद हो रहा। अब देखो अटकर्ज की मिट्टी है डाबरो, एल मिट्टी है, एल को मतलब लाल, एल 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 एल, ठीक है। अब देखो, अब समझना है, एक तो अपन देखनी है कि लाल पीड़ी गठे और एक लाल लोमी गठे, आ दोनों समझना अपन। यानी अब की है अटकर लाल ही लाल है, अटकर काली काली है, यानी अठ लाल है अठ काली है, लाल भी मिली काली भी मिली तो फिर लाल काली होगी, तो एक मिट्टी है लाल काली तो फिर गठे वेगी। अरे जब लाल अटकर है काली अटकर है तो गठकर वेगी, ये कायंत्री लाल काली गठे वेगी। इन अरावली इन मालवा को बाग है, पोटास की अधिकता, फिर कौन सा जिला, अठला जिला सारा देख लेती, चित्तौड़गढ़ है, शाहपुरा हो जाएगा आपका, भीलवाड़ा हो जाएगा आपका, राजसमंद हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, ये जिले, ये तो छोड़ो, पहाड़ लाल दिखे ये याद रखो, और अटकर लाल मिट्टी है ऊपर काड़िया होगी। अब दो मिट्टी की लाल पीड़ी और लाल लोमी, बस आंसर। अब देखनी आपने लाल पीड़ी मिट्टी, देखो आज देखो एक मिनट, लाल लोहे की उपस्थिति के कारण बनती है और पीड़ी आ जाए जल के संपर्क में ज्यादा जाए पीड़ी हो जाए, इनको निर्माण चुके ग्रेनाइट चट्टाना नीच चट्टाना बने, लो ऑक्साइड की मात्रा वह अधिक, ठीक है। जिला कौन सा है? देखो लाल पीड़ी, पी ऊपर है, बस आध्यान रखो, ऊपर तो लिख दो पी, ऊपर वाले जिले, और नीचे लिख दो लाल लोमी, एल 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 एल, बस ये याद रखना। ऊपर वाले जिले में तो है लाल पीड़ी, को लाल पहाड़ हुआ फिर पीड़ा हो गया, लाल पीड़ी ऊपर, लाल लोमी एल एल ये नीचे, बस ऐसे याद कर लो, लास्ट यही बचा। लाल पीड़ी मिट्टी कहाँ होगी? ये क्षेत्र स्वाई माधोपुर है, इसमें सिरोही है, करौली है, ये जिले, भीलवाड़ा है, शाहपुरा है, टोंक है, अजमेर, केकड़ी, ये जिले। और कौन सी बची? लाल लोमी मिट्टी, ये तो बहुत ईजी, आप ही लिख दो। ये कायंत्री चट्टानों से बनी है, लोह तत्व की अधिकता होती है, वो लाल हो गया अधिकता, फसल भाई मक्का वगैरह भाई फसल होगी। जिला कौन सा है? उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, सलुम्बर है, चित्तौड़गढ़ नीचा। दोबारा कुछ नहीं, ये हो गई रेतीली मिट्टी, ठीक है सर, हो गई। रेत है भूरी, भूरी रेतीली, यही रेत में लवण है, लवणीय मिट्टी, तीन मिट्टियों के प्रकार सीधे सीधे हो गए। पर्वतों में लाल होती है, बात खत्म। जहां जल ज्यादा है वो जलोढ़, आराम से बता दोगे जलोढ़ मिट्टी पूर्वी मैदान के अंदर। अब बात है काली मिट्टी, तो ये रही काली मिट्टी, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ काली मिट्टी। एल लिखो एल लिखो एल लिखो एल लिखो एल लिखो एल लिखो, सब जगह एल लिखो, यहां भी एल लिखो, पी ऊपर है, पी ऊपर कर दो, ये लाल पीड़ी है, ये लाल लोमी है, इन दोनों को मिलाओगे तो लाल काली बनेगी जो इन जिलों में। के कौन समझ में? मैं था ना पूछूं के कौन समझ में? अब भी अगर थारे मिट्टी समझ में नहीं आई तो आनी ही बनी। अब मिट्टियों का और प्रकार बचे वो हम कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही।